जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्वालियर में एक आम सभा को संबोधित किया। 42 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 5 मिनट का समय 20 प्रत्याशियों के परिचय कराने में दिया। 7 मिनट उन्होंने राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे को याद करने में निकाला और भावुक भी हुए। 3 मिनट वे कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर नाम लिए उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए बोले। 3 मिनट मध्य प्रदेश के बीमारू राज्य होने पर बोले। 4 मिनट उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की योजनाओं पर बोलते हुए विकास की बात कही। 2 मिनट उन्होंने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के 7 शहरों पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात भी उन्होंने कही। केंद्र को उन्होंने 5 मिनट दिए और केंद्र की सरकार की योजनाओं को उन्होंने बताया। 3 मिनट उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को मंत्र बताते हुए दोनों के नारों का अंतर बताया। मोदी ने सिंधिया के बारे में कुछ नहीं ज्यादा बोला, ना ही उन्होंने सिंधिया के सवालों का जवाब दिया। उल्टा उन्हीं से पूछ लिया कि उनकी दादी राजमाता विजयरंजन सिंधिया निर्दोष होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें जेल में रखा था, क्यों रखा था यह सिंधिया बताएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय।